जय हिंद दोस्तों, भारतीय सेना के कई ऑपरेशन और सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में हम जानते हैं। जब भी दुश्मन ने हरकत की है, भारतीय सेना ने उसका जवाब दिया है। तो आज इस वीडियो में हम एक ऐसे ही ऑपरेशन के बारे में जानेंगे जिसमें भारतीय सेना ने अपने जवानों की मौत का बदला लिया था, वो भी पाकिस्तान में घुसकर। तो आइए जानते हैं ऑपरेशन जिंजर के बारे में, जिसमें भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान के सैनिकों के सर काट के लाए थे। दोस्तों, कुपवाड़ा के गूगल दर में सेना की चौकी पर राजपूत और कुमाऊं रेजिमेंट के 6 जवानों पर अचानक पाकिस्तानी सेना ने 30 जुलाई 2011 की दोपहर हमला कर दिया, जिस समय 19 राजपूत बटालियन को 20 कुमाऊं रेजिमेंट से रिप्लेस किया जाना था। इसी मौके का फायदा उठाते हुए पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम बैट ने हमला कर दिया। हमले के बाद पाकिस्तानी सेना 20 कुमाऊं रेजिमेंट के हवलदार जसपाल सिंह अधिकारी और लांस नायक देवेंद्र सिंह के सिर अपने साथ ले गई। हमले की जानकारी देने वाले 19 राजपूत के एक जवान ने बाद में अस्पताल में दम तोड़ दिया। दोस्तों, ये शर्मनाक काम पाकिस्तानी बैट ने किया था। और वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट में SSG कमांडो होते हैं, जो पाक की एक स्पेशल यूनिट है, और इन्होंने ये कायराना हरकत की थी। फिर दोस्तों, इसके बाद ही ऑपरेशन जिंजर की कहानी शुरू हुई थी। फिर इसका बदला लेने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन जिंजर का प्लान बनाया, और यह भारतीय सेना के इतिहास में सबसे घातक पलटवार था। इस मिशन के तहत हमले के लिए 3 पाक पुलिस चौकियों को चुना गया, और रिपोर्ट के मुताबिक हमले का बदला लेने के लिए सेना ने अलग अलग टीमें बनाई थी। इनमें सर्विलांस, सर्जिकल स्ट्राइक, हमला और बमबारी के लिए टीमें बनाई गई थी। दोस्तों, दरअसल पाकिस्तानी सेना के हमले के बाद भारतीय सेना को एक पाकिस्तानी आतंकी के पास से एक वीडियो मिला, जिसे घुसपैठ करते हुए मारा गया था। इस वीडियो में पाकिस्तानी सैनिक अधिकारी और सिंह के सिर के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। इसको देखते ही भारतीय सेना के जवानों का खून खौल गया था। फिर भारतीय सेना ने 2 महीने बाद 30 अगस्त को ऑपरेशन जिंजर के जरिए बदला लेने की ठानी, और इसके लिए शुभ दिन मंगलवार को चुना गया। वहीं इस हमले में 25 सैनिकों ने भाग लिया, जिसमें ज्यादातर पैरा कमांडो शामिल थे। सीमा पार हमला करने से पहले 7 रिकॉग्नाइजेंस मिशन किए गए UAV और कुछ सैनिकों द्वारा, यानी हमला करने से पहले वहां की पूरी जानकारी जुटाई गई। वहीं ऑपरेशन जिंजर को अंजाम देने वाले आर्मी अफसर ने बताया कि हमने इसके लिए 30 अगस्त को मंगलवार का दिन इसलिए चुना था क्योंकि पहले हमने इस दिन कारगिल वॉर समेत हमेशा जीत हासिल की थी, और यह ऑपरेशन ईद से एक दिन पहले किया गया क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त हमले की उम्मीद ना के बराबर थी। हमले के लिए पैरा कमांडो के 25 जवान 29 अगस्त को अपने लॉन्च पैड पर सुबह 3 बजे पहुंच गए और रात के 10 बजे तक वहीं छुपे रहे। इसके बाद उन्होंने LOC क्रॉस किया और पाकिस्तानी पुलिस चौकी के पास पहुंच गए। 30 अगस्त को सुबह 4 बजे हमलावर टीम दुश्मन के क्षेत्र में हमले के इंतजार में थी, और अगले 1 घंटे में क्षेत्र में माइंस बिछा दी गई और हमले के लिए कमांडोस ने अपनी जगह ले ली। 30 अगस्त को सुबह 7 बजे के करीब उन्हें 4 पाकिस्तानी सैनिक दिखाई दिए, जिसका नेतृत्व एक जूनियर कमिश्नर अधिकारी कर रहा था। भारतीय सेना के जवानों ने उनके हमले की जगह पर पहुंचने का इंतजार किया और फिर माइंस को डेटोनेट कर दिया, और धमाके में चारों गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद कमांडोस ने ग्रेनेड से उन पर हमला कर दिया। इनमें से एक पाकिस्तानी सैनिक भागने में सफल रहा, और भारतीय सैनिकों ने अन्य 3 मरे हुए सैनिकों के सिर काट डाले और उनके रैंक, चिन्ह, हथियार और दूसरे निजी सामान ले लिए, और कमांडोस ने एक शव में IED फिट कर दिया ताकि अगर कोई उसे उठाए तो ब्लास्ट हो जाए। धमाका सुनने के बाद चौकी की ओर दौड़ते आ रहे 2 पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सेना की दूसरी टीम ने मार गिराया। 2 अन्य पाकिस्तानी सैनिकों ने दूसरी टीम को फंसाने की कोशिश की, लेकिन पीछे से कवर कर रही तीसरी टीम ने दोनों को मार गिराया। दोस्तों, भारतीय सेना के जवान जब ऑपरेशन बदला को अंजाम देकर लौट रहे थे, उन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों के एक ग्रुप को पुलिस चौकी की ओर भागते देखा। थोड़ी ही देर में जवानों को एक धमाके की आवाज सुनाई दी, और ये क्लियर था कि धमाका पाकिस्तानी सैनिक के शव में फिट किए गए IED का था। यह पूरा ऑपरेशन लगभग 45 मिनट तक चला, और भारतीय सेना की टीम सुबह के 7:45 तक हमले की जगह छोड़ LOC की ओर चल पड़ी थी। सेना की पहली टीम दोपहर 12 बजे अपने पोस्ट पर पहुंची, और आखिरी टीम लगभग 2:30 बजे के करीब पहुंची थी। सभी टीमें लगभग 48 घंटे तक दुश्मन के इलाके में ही रही, जबकि कम से कम 8 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया गया। साथ ही 2 या 3 अन्य पाकिस्तानी सैनिकों को गंभीर रूप से घायल किया गया, और 3 पाकिस्तानी सैनिकों, सूबेदार परवेज, हवलदार अफ्ताब और नायक इमरान के सिर 3 AK-47 और अन्य हथियार भारतीय सैनिक तोहफे के रूप में अपने साथ ले आए।
रिपोर्ट्स के मुताबिक काटे गए सिरों की तस्वीरें ली गई और बड़े अधिकारियों के निर्देश पर उन्हें जमीन में दबा दिया गया। दो दिन बाद कमांड के सबसे वरिष्ठ जनरल ने टीम से पाकिस्तानी सैनिकों के सिर के बारे में पूछा। जब उन्हें पता चला कि काटे गए सिरों को जमीन में दबाया गया है, वह क्रोधित हो गए और सिर को जमीन से निकालकर जलाने को कहा और उनकी राख को किशन गंगा में फेंकने का आदेश दिया ताकि डीएनए का कोई सुराग न बचे। और इस ऑपरेशन के बारे में किसी को जानकारी नहीं दी गई क्योंकि एक सीक्रेट ऑपरेशन था, पर बाद में इस ऑपरेशन का खुलासा मीडिया रिपोर्ट्स में किया गया। यानी भारतीय सेना के पैरा कमांडो, जो इंडिया के सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्स है, इसने अपने दुश्मन को सबक सिखाया था। तो दोस्तों, ये वीडियो थी ऑपरेशन जिंजर के बारे में।